अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे और बहुत ही मज़े में होंगे। आज का व्लॉग है ड्रेस डिज़ाइनिंग के बारे में। मैंने जो कपड़े आपके साथ लास्ट व्लॉग में शेयर किए थे शॉपिंग व्लॉग में कि मैंने ड्रेसेस कहाँ कहाँ से लिए हैं, कितने के लिए हैं, कैसे लिए हैं, तो अगर आपने मेरा वो व्लॉग नहीं देखा तो सबसे पहले नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा हुआ है, तो वहाँ से जाके मेरा शॉपिंग व्लॉग देखें, फिर आपको आइडिया होगा इन ड्रेसेस का। क्योंकि उस व्लॉग में मैंने आपके साथ सिर्फ दुपट्टे शेयर किए थे, और क्योंकि बाकी जो ड्रेसेस हैं वो स्टिच होने के लिए जा चुके थे, तो अब ड्रेसेस स्टिच होके आ गया, तो मैंने सोचा आपके साथ मैं सारी अपनी ड्रेस डिज़ाइनिंग शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इस ड्रेस की। ये ड्रेस है लाइमलाइट का, और ये टू पीस ड्रेस है जिसके साथ हमने ट्राउज़र इसका कंट्रास्ट मैच खुद किया था, क्योंकि इसके दुपट्टे के अंदर ग्रीन कलर था। ठीक है, तो ग्रीन कलर की ही हमने ऊपर डिज़ाइनिंग की है इसके गले के ऊपर। ये चेक करें, इसका गला बहुत ही सिंपल सा और प्लेन सा बनाया गया है। यहाँ पे पट्टी लगा के पाइपिंग की है, और ये उसके ऊपर दो प्लेट्स डाल के नीचे कलियाँ लगा के इसको एक फ्रॉक की शक्ल दी गई है। और ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही खूबसूरत सा ड्रेस है लाइमलाइट का, और अगर आपने मेरा व्लॉग नहीं देखा तो वहाँ पे जाके देख सकते हैं आप। और इसके साथ ये दुपट्टा था, और दुपट्टे के अंदर क्योंकि ऑरेंज कंट्रास्ट था तो हमने इसके ऊपर ऑरेंज कलर की ही पीको करवाई है, जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और इस तरह का ग्रे और ग्रीन कलर का कंट्रास्ट बहुत ही प्यारा लगता है। चीता प्रिंट एक ऐसा प्रिंट है जिसका ट्रेंड कभी भी ख़त्म नहीं होता, और ये पहना हुआ हमेशा से अच्छा लगता है। और ये देखें, ये इसका ट्राउज़र है, ट्राउज़र बिल्कुल सिंपल सा ट्राउज़र है, नीचे ओपन जो पांचे होते हैं। ठीक है, और इसके बाजू की डिटेलिंग आप चेक करें, ये ओपन बाजू है और ये ऊपर की तरफ ओपन आएंगे इस तरफ ऐसे, ये इस तरह से खुले हुए बाजू है। ठीक है, ओके जी, उसके बाद बात करते हैं इस ड्रेस की। ये है निशात लिनन का ड्रेस, और ये मैंने आपको उस ब्लॉग में दिखाया था, उसके ये बटन भी मैंने आपको दिखाए थे, याद होगा। ये बटन लग के इसका गला बनाया है, और ये बहुत ही खूबसूरत ब्लैक और मस्टर्ड इसका कंट्रास्ट बना हुआ है, मस्टर्ड कलर का, ये देखिए। और ये बहुत अच्छा, ये हमने इसके पूरे चारों तरफ इसकी शटल लेस लगी हुई है, सिंपल सी बिल्कुल, और नीचे इसका एक बॉर्डर था। ये बॉर्डर इसका बहुत बड़ा था, ब्लैक वाइट और इसका मिक्सचर था, लेकिन हमें सिर्फ कटवा के उसको सिर्फ जो मस्टर्ड वाला उसका पीस था वो लगाया, ये चेक करें। और इसके बाद इसके बाजू जो है उनके ऊपर भी ऐसे ही आगे शटल लेस और वो लगा दी गई है। ठीक है, दुपट्टा इसका उसी तरह का प्रिंट है, लेकिन इसके चारों तरफ दुपट्टे के लेस लगी हुई है। और इसके साथ जो शलवार बनाई है वो बेल्ट वाली शलवार है, ट्राउज़र नहीं बनवाया, ये देखिए। क्योंकि हर किस्म के ट्राउज़र और शलवारें कपड़ों के नीचे पहनी हुई बहुत अच्छी लगती है कुछ ड्रेसेस। इसके साथ ये ऑफ वाइट कलर की शलवार है। ठीक है, उसके बाद ये बात करते हैं इस थर्ड ड्रेस की। ये बहुत ही खूबसूरत डिसेंट सा एक कलर है, और ये हमें टू पीस ड्रेस मिला था निशात लिनन से, और इसके साथ मैंने जो ट्राउज़र है वो लाइमलाइट रेडीमेड जो स्टिच ट्राउज़र्स मिलते हैं वहाँ से, वो मैंने इसके साथ कंट्रास्ट मैच कर लिया था। बहुत ही खूबसूरत ये मैच हो गया था, इसके अंदर एक हल्का सा सेल्फ प्रिंट सा जो है वो प्रिंट हुआ हुआ है, जो कि इसके साथ परफेक्ट मैच हो गया था। और ये सिंपल सा एक ट्राउज़र है, और ये मेरा थ्री पीस सूट तैयार हो गया था। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ शर्ट की डिटेलिंग। ये शर्ट जो है एक कुर्ता बना हुआ है, कमीज़ सिंपल नहीं है, कुर्ता शेप है और लॉन्ग शर्ट है। ठीक है, और इसका गला आप चेक कर लें, यहाँ पे इसके ऊपर आगे गले के ऊपर मोती लगा के इसका बड़ा ही खूबसूरत डिसेंट सा कलर डिसेंट सा गला बनाया है। और इसके बाजू चेक करें आप, यहाँ के ऊपर इसके ऊपर यहाँ पर चुनटे डाल के और बाजू के एंड पे भी चुनट डाल के आगे कफ लगाया, और ये बड़े खूबसूरत डिसेंट से बाजू लगते हैं, ऐसे फूले फूले से बड़ी डिसेंट सी लुक देते हैं। अगर किसी को इस तरह के बाजू बनवाने हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकता है। ठीक है, और उसके बाद नीचे इसके दामन की बात करें, दामन के साइडों पे यहाँ पे इसके शिटल लेस लगी हुई है, बस सिंपल सा ये कुर्ता बना हुआ है, बहुत ही खूबसूरत डिसेंट सा ड्रेस है। और उसके बाद ये इसका दुपट्टा है, दुपट्टे के ऊपर नीचे जो है जस्ट इसके पल्लू के ऊपर हमने ये लेस लगवाई है। ये लेस आजकल बहुत इन चल रही है, अगर किसी को चाहिए तो वो स्क्रीन शॉट ले सकते हैं और आप लगवा सकते हैं। ये दुपट्टों पे लगी हुई बहुत प्यारी लगती है, बहुत डिसेंट सी लेस है। बात करते हैं इस ड्रेस की। ये सिंगल शर्ट पीस हमने लिया था, ये भी निशात लिनन वालों का शर्ट है, और इसके इसको स्टिच करवाया हमने एक फ्रॉक, इसकी डिटेलिंग मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ये यहाँ पर इसका ये वाला गला बना हुआ है, जिसके ऊपर हमने कट्स लगा के थ्री कट लगे हुए हैं और अंदर मोती लगे हुए हैं, और साथ इसके यहाँ ऊपर पेटी लगी हुई है, पेटी डाल के नीचे प्लेट्स डाल दी गई हैं, और ये बहुत ही खूबसूरत एक फ्रॉक बन गई है।
ठीक है, ये चीज के लेस, इसके दामन पे ये छोटी वाली लेस है, और इसी तरह इसके बैक साइड पे भी इसी तरह प्लेटें डाली हुई है। ये देखिए, ये सिंगल शर्ट पीस मिला था जिसके साथ हमने ट्राउज़र मैच किया था। ये ट्राउज़र है और ट्राउज़र की डिटेलिंग्स चेक कर ली, इसके पांचे बहुत ही खूबसूरत बने हुए हैं, नीचे लैस, फिर टू प्लेट्स तिरछी लगी हुई हैं, और फिर लैस और फिर उसके बाद प्लेट्स, और इस तरह ये ट्राउज़र बना हुआ है। आप इसका भी स्क्रीन शॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, बहुत ही डिसेंट है। और इसके गले का अगर अगर किसी को गला पसंद आया तो वो भी स्क्रीन शॉट इसका ले सकता है। और इसके बाजू के आगे मोटिफ छोटा सा लगा के इसके साथ अंदर जो बस्टर्ड कंट्रास्ट है उसके साथ मैच किया। तो जी, आज की ड्रेस कलेक्शन बस यही थी। तो नेक्स्ट पार्ट टू जो है मैं आपके साथ शेयर करूंगी नेक्स्ट व्लॉग में। तो आपने मेरी नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार लाजमी करना है। मिलती हूँ मैं आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।